आप क्या बताएंगे, आपने आज इस खाली ज़मीन पर जहाँ का घर बन रहा था वहाँ पर आपने तिरंगा लगाया है, आपका जो हस्बैंड है वो जेल में है, बताया जा रहा है कि वो परिहार ब्रदर्स की किलिंग में और चंद्रकांत शर्मा जो आरएसएस का लीडर था उसकी किलिंग में मुलाविस है, तो क्या बताएंगे आप इसको लेकर? जनाब, हम हिंदुस्तानी थे पहले से ही, आज हर साल हम लाते थे झंडा इधर लगाते थे इधर छत पे, आज हमारा छत कुछ नहीं है इधर, आज हमारा यही घर सारा कुछ है। और क्या, मेरा हस्बैंड था बेचारा, करता था मजदूरी, सुजूरी ऑटो चलाता था, वो भी ले गए उसको, उसको पता नहीं ये जो बेचारे ये उनको क्या बोलते हैं, परिहार जी, वो उसी के केस में उसको फंसा गया है, उसको बोलने लगे नहीं आप ही ने मारा उसको, आप ही ने ये किया वो किया, वो बेचारा करता था अपनी गरीबी के हिसाब से, अपने दिन बच्चों को ये पाल रहा था घर में, सब कुछ ला रहा था गरीबी के हिसाब से, आज कुछ नहीं है इस घर में, उसको ले गए अपने उधर जेल में, बोलने लगे उसको नहीं आप ही सब कुछ है, हमें कुछ पता नहीं था, ना थे हम मिलिटेंट, ना थे कुछ, हम एक मजदूर शख्स था, वो तीन बच्चे हैं उसको, इनको मुझको भी नज़र आता है, इनको भी कानों में बहुत फर्क है, ये कुछ सुनाई नहीं देता है इनको, हम क्या करेंगे, ना हमें कोई देखता है ना क्या, कुछ नहीं हमें पता है। क्या क्या आपके घर में मिलिटेंट रुके थे? नहीं कुछ नहीं थे, हमें है ही नहीं घर कहाँ है, मेरा देवर जी है एक कमरा दिया उसी ने, हम उसी के पास बैठे कमरे में, कौन मिलिटेंट होगा एक कमरे में, हम कहाँ जाएंगे मिलिटेंट, कहाँ आएगा उधर, दो बच्चियाँ हैं हमें, एक लड़का है हमें। तो लड़का कहाँ है? लड़का वो गया है, भेजा है कहीं पढ़ाने के लिए, अब क्या करेंगे, वो भी बेचारे एक ही बच्चा था, तो टेंशन से सारा कुछ हमको भूल गया है, क्या करेंगे हम। क्या आपको लगता है आपका घरवाला बेकसूर है? जी हमारा घर वाला बेकसूर था, उसको कुछ ना था, उसको क्या ऑटो चलाता था, सभी ऑटो वाले थे, अब हमें पता ही नहीं उसको क्यों बोले लगे ये वो कुछ करता है, मिलिटेंटों को चलाता है, कहीं ले जाते हैं उसको, हमको कुछ पता नहीं है। तो आपकी मुलाकात कब हुई है घर वाले से? हमारी एक मुलाकात हुई उसी टाइम जिस वो लिया था पहले ही साल में, उस दिन गए थे जम्मू में, तो बस फिर हमें कुछ पता नहीं कहाँ है वो क्या है वो, हमें खाने के लिए कुछ नहीं है, ना हमें कोई पूछता है, ना किसी को पता है ये बीमार है ठीक है क्या है, मुझे आंखों में दर्द है, मुझे कुछ नहीं नज़र आता है, जाऊंगी बाहर कुछ नहीं पता चलता है, मैं कहाँ जाऊंगी, इतनी नज़र काम हो गई टेंशन से हमें। तो यानी कि आपने दो साल से जो है अपने घर वाले को देखा नहीं और बच्चों ने बाप को नहीं देखा? नहीं, कुछ नहीं पता है बच्चों को भी, हमें को भी कुछ नहीं पता है। तो क्या वो सच में ऑटो में ले जाता था, कभी आपको भनक लगी कभी कुछ? नहीं, हमें कुछ नहीं, हमने देखा ही नहीं उसको, कुछ है ही नहीं, वो उसके लायक गरीब शख्स था, क्या मजदूरी करता था अपनी। तो आप क्या अपील करेंगे गवर्नमेंट से, क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट से अपील करेंगे उसको छोड़े वापस अपने बच्चों के पास ले जाए उसको, ये बड़े देखो इनको ये बीमारी है, ये इसको इतनी खांसी है, कहाँ ले जाऊंगी इसको मैं, ना हमें खाने के लिए कुछ, ना हमें कोई पूछता है, आप है सभी लोग डरते हैं इधर हमारे अंदर आने में। तो क्यों डरते हैं? कोई नहीं नजर मारता है इधर, क्यों डरते हैं, क्यों डरते लोग? हमें क्या पता, ये बोलते हैं इसको हाँ ये मिलिटेंट है तो और क्या। अपनी मुस्लिम कम्युनिटी से भी नहीं कोई आया? नहीं कोई नहीं आया, मैं जाती हूँ किसी के घर में काम शाम करती हूँ, देते हैं पैसे तो फिर हम लाते ही खाना शाना फिर खाते हैं वही। कभी इमाम साहब या कभी कोई यहाँ के जो सरपरा कभी नहीं देखा? कोई नहीं देखा हमने, यहाँ आया ही नहीं कोई। तो एक बार फिर से आप जो अपने घर वाले का के बारे में जो है वो जब वो उनको पकड़ा था तो उस दिन क्या हुआ था, आपको क्या बताया गया, फिर से बताएंगी थोड़ा सा? क्या बताएंगे, हमें यही पता है उसको ले गए इधर से, फिर हमें कुछ पता नहीं था वो क्या था क्या किया उसके साथ,
वो कैसे फंसा गया उस केस में, क्यों फंसा दिया उसको, हमें कुछ पता नहीं है। तो आपका कोई वकील है? हाँ जी है। तो वो क्या बोल रहे हैं? वो बोलते हैं करेंगे कुछ। तो शायद वो फीस भी मांगते होंगे। हाँ, फीस पैसे लगते हैं उधर, लाखों रुपया लगते हैं उधर, हम कहाँ से लाएंगे वो पैसे, वो लाखों रुपया हम उसको उनको देंगे, वो केस खत्म होंगे तो। हमें खाने के लिए कुछ नहीं है, चलो हमारे अंदर देखो हम क्या है, उधर क्या है हमारी हालत, लड़की बीमार है, किसको बोलूँ मैं इसको डॉक्टर के पास ले जाऊँगी, है ही नहीं, बोलते हैं अपने बाप को, हमें है ही नहीं खुदा के अलावा कुछ, हाँ बाप इनको तो वो बंद है उधर जेल में, मेहरबानी करके उसको वापस ले आए गवर्नमेंट साहब को, मैं अपील करती हूँ।